बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गाइस ये 12 मरला की छत है, इसका आरसीसी लेंटर जो है आरबी लेंटर वो हम डाल रहे हैं 12 मरला की छत है। और ये देखिए इस तरह फड़ों से जो है ना, ये दो फड़े होने चाहिए, इससे आप माल को आगे पीछे कर सकते हैं। और ये मिस्त्री जो है ये गरमाला देखें, ये गरमाला फेर रहा है, कांडी और गरमाले के साथ माल जो है वो इक्वल किया जा रहा है। तो ये जो है मशीन से, और ये इसकी लिफ्ट लगी हुई है दोस्तों, यहाँ से जो है ना माल मिक्स किया जा रहा है इस मशीन के ज़रिए। वो उसके अंदर एक थैला सीमेंट का डाला जाता है, दो रेडियां बजरी की और एक जो है वो रेते की। यहाँ पर रेत पड़ी है, रेत का है और इधर से ये पीटर वाली मशीन जा रही है दोस्तों, ये वाली, ये पीटर वाली मशीन है और एक ये मशीन है, इससे माल मिक्स होता है, उससे माल जो है वो ऊपर जाता है। ये देखिए एक रेडी आ गई रेते की, अब एक थैला सीमेंट का डालेंगे, दो रेडियां इसके अंदर बजरी की डाली जाएगी। और इसे फोड़ा बोलते हैं जनाब, ये दो फोड़े हैं और इसे माल को आगे पीछे किया जाता है। और ये जो है हमारा लेंटर माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, ये सुबह से शुरू आया था, तकरीबन 12 घंटे सुबह 8 बजे हमने काम शुरू किया है और शाम हो चुकी है, सारा दिन में ये 12 मरले की छत जो है वो मुकम्मल हुई है हमारी। और ये पौड़ी की भराई जो एक दिन पहले की है हमने, हाँ ये ओ आखिरी कोने तक यहाँ से माल हमने डाला है, वो आखिरी कोने से इस तरह होता हुआ है। ये देखिए बड़े छात की जो लंबाई है दोस्तों वो 93 फुट है, ये रेडी जो है अब इसको यहाँ से पलटा रहे हैं। तो ये जनाब लेंटर माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है, ये तकरीबन इतनी सी जगह जो है वो हमारी बाकी रह चुकी है। तो ये ट्राली होती है, ट्राली से माल जो है इस लिफ्ट के ज़रिए भराई की जाती है और फिर आगे मतलूबा जो जगह होती है वहाँ पर माल डाला जाता है। और फिर आगे ये दो फोड़े होते हैं, इससे इसको माल को बराबर किया जाता है। और मिस्त्री गरमाले से, ये देखें ये गरमाले से माल जो है वो लेवल किया जा रहा है। ये लेंटर डालते हुए आप इसी चीज़ का खास ख्याल रखें कि कांडी और देसी और गरमाले से जो ना माल को लेवल किया जाए, इसका बराबर किया जाए तो माल नरम होता है। तो ये हमारी शेड है जी 2.5 फुट की, और ये कोरवाल बाद में भराई होगी, लेंटर के अंदर भराई नहीं होती। तो ये था हमारा दोस्तों लेंटर आरबी लेंटर, और ये 12 मरले की छत है वो आखिर तक एंड तक देखें आप। और शटरिंग वाले जो हैं वो आपके 3 आदमी नीचे होने चाहिए, शटरिंग जो इसकी टेके होती हैं फटियाँ उसको देखें कि कहीं से कोई कमज़ोर तो नहीं है, कोई हिल तो नहीं रही, कोई कमज़ोर है तो उसको मजबूत किया जाता है। 3 जिस दिन आपको लेंटर डाला आपने, तो लेंटर के वक्त शटरिंग वाले 3 आदमी नीचे हों आपकी छत के, और 1 आदमी उनका ऊपर होता है, ये शटरिंग वाला आदमी है और ये 2 मजदूर हैं मिस्त्री के ठेकेदार के, और ये वाले जो हैं ये मशीन वाला मजदूर है जो ऊपर बजट डालता है और ये साथ मिस्त्री काम कर रहा है। तो ये तकरीबन 5 लोग जो हैं वो ऊपर छत के होने चाहिए आपके। तो शटरिंग वाला जो 1 आदमी ऊपर लाजमी हो, ताकि वो अपने हिसाब से भराई जो है छत की करवाता है, माल किस जगह डालना है किस जगह माल नहीं डालना। तो अगर आपके लटक बीम है तो लटक बीम जो है वो पहले आप आधे डालें, आधे मुकम्मल कर लें, उसके बाद आधे की भराई करें। तो ये देखें ये गरमाले से ये जो बीम है इसके साथ साथ माल जो है वो कांडी तेसी से बराबर किए जा रहे हैं।
और ये बजरी जो है यहाँ से लारी जा रही है, ये बजरी पड़ी है इधर, ये बजरी है। और इस तरफ रेत आपको नज़र आ रही है, ये रेता पड़ी है जी, यहाँ रेत है और नीचे ये मशीनें काम कर रही हैं। तो ये हमारी सीढ़ी है जी, सीढ़ी की भराई एक दिन पहले हमने कर ली थी क्योंकि छत की जो लंबाई है वो ज़्यादा थी, 12 मरले की छत थी, इसलिए इसकी भराई हमने एक दिन पहले कर ली थी। ये काम हो रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे जी। तो एक बात और आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर आपने पानी के जो पैप है वो रखने हैं, वहाँ पर आप पानी के पैप जो एक फुट का टूटा रख दें, हमने वैसे पानी का पैप रखा है, और एक जो है वो उस जगह रखा है जहाँ पर ईंट पड़ी है, और एक इस तरफ है जी, तीन पैप हमने रखे हैं।